हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं बिजनेस लॉ के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले तो आपको पेपर पैटर्न का समझ में आएगा और आपके लिए बहुत हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है पेपर, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें आपको सब पता चलेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेवल कैसे रहता है, तो ये सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। और जो आपकी प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, ये आपके सभी कोर्स के सभी सब्जेक्ट्स के लिए लाई जाएगी, तो इसको सपोर्ट करते रहिए। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस लॉ या अगर आपके बीकॉम ऑनर्स में या बीकॉम प्रोग्राम में, तो दोनों के लिए सेम रहने वाला है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेमेस्टर वन ड्यूरेशन 3 आवर, जैसा कि आप सबको पता है 3 घंटे मिलते हैं आपको, मैक्सिमम 75 मार्क्स। सबसे पहले रोल नंबर लिखिए, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, इंग्लिश या हिंदी कोई से भी मीडियम में अपना पेपर कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रू और फॉल्स का दे रखा है, जो कि आपका 15 मार्क्स कैरी करता है। इफ़ कॉमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट्स द प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। और ये जो आपकी लिखी हुई है स्टेटमेंट, ये ट्रू है फॉल्स वो बताइए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज इनकम्प्लीट विद द व्हेन द लेटर ऑफ ऑफर इज पोस्टेड। लॉटरीज ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट आर नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट्स। 9 नंबर का ये दे दिया, इसी को बी पार्ट में इन्होंने कर दिया है, डिस्कस द पोजिशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, अब पोजीशन पूछ लिए माइनर की क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ रखा है तो इसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसी के चॉइस में दे रखा है, स्टेट विद ब्रीफ ट्रू और फॉल्स। ही अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिसऑर्डर्स। द ऑब्जेक्ट ऑफ डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू पनिश द पर्सन हु फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। इनएडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन विल मेक एन एग्रीमेंट वॉइड। अब बी पार्ट दे दिया, इसमें भी डिफाइन undue influence, how does it differ from coercion, इसके बारे में बताइए। अब इसी को हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप पूरा इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चॉइस वाला देख लीजिएगा, संविधान भंग होने के केस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। इसी के सेकंड पार्ट, एक्स शोज अ सिंपल टू वाई डिस्क्राइबिंग इट एन चाइनीज स्केल, वाई अप्रूव्स ऑफ दिस सैंपल। अब देखिए सिचुएशन बना दी उन्होंने, सैंपल एंड प्लेस एंड ऑर्डर फॉर द सप्लाई। इस टाइप के क्वेश्चन सोल के फेवरेट हैं, इस टाइप के पूछे जाएंगे तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। द गुड्स डिलीवर्ड आर अकॉर्डिंग टू सैंपल, बट इट टर्न्स आउट दैट सैंपल एज वेल एज बल्क इज जापानी सिल्क। डिस्कस द राइट ऑफ बायर वाई अगेंस्ट सेलर एक्स। आप फाइंड अ कॉस्टली रिंग एंड आफ्टर मेकिंग, ये भी पूरा देख सकते हैं, सिचुएशन बेस दे दिया। कैन डी ट्रू ओनर रिकवर द रिंग फ्रॉम बी, स्टेट रीजन, उसके बारे में रीजन बताइए। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, वो बताइए। अब आते हैं इसी के चॉइस में, ए का फर्स्ट पार्ट, व्हेन कैन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रेडेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ये बताइए। एग्री टू परचेस 200 टन ऑफ व्हीट फ्रॉम बी आउट ऑफ अ लार्जर स्टॉक, जैसे सिचुएशन बेस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से कर लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन भी फंसता है तो आपको सीधे 30 नंबर देगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्स एग्रीज टू सेल इज न्यू एलसीडी टीवी टू वाई फोर 25,000, पेबल पार्टिकल इन कैश ऑफ 15,000 एंड पार्टली इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड टीवी सेट, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, गिव रीजन। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है सेल ऑफ गुड्स का, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये सही है या नहीं, और उसके बारे में रीजन बताइए। 9 नंबर, तीनों पार्ट 3-3 नंबर के होने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बी पॉइंट, डिस्कस द रूल एज टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड, इसके बारे में बताइए। अब देखिए इसी को हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा के आप उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में पूरा जूम आउट, जूम इन करके और जूम आउट करके पूरा पेपर आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ LLP। LLP मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जरूर जाएगा। एन LLP इज अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट ओवर द पार्टनरशिप फॉर्म इन द मैटर ऑफ प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। राइट अ नोट ऑन विसल ब्लोइंग, क्या होता है उसे। स्टेट प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ LLP, इसी के चॉइस में। अ पार्टनर शॉल नेवर बी लाइबल टू अनलिमिटेड एक्शन फॉर डेब्ट्स ऑफ द LLP, द काउंट कैन वाइंड अप LLP ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स कमेंट। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर LLP एक्ट 2008, इसी को हिंदी में दे रखा है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसे भी मैं पढ़ने बैठूंगा तो। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ई सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर में क्या डिफरेंस होता है, साइबर कॉन्ट्रवेशन एंड साइबर ऑफेंसिस में क्या डिफरेंस है, पब्लिक की प्राइवेट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सोल,
जो कि पूछा ही पूछा जाता है। ई गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको गारंटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कोई सा भी दिखे। द आईटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सम स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स कमेंट। द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज सेम पावर सिविल कोर्ट बट एन एग्रीवेट पार्टी में अपील टू हाई कोर्ट एक्सप्लेन। राइट अ नोट ऑन टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज मीन बाय डिजिटल सिग्नेचर, देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर फिर से पूछ लिया, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होती है पूछा है। अब हिंदी में देख लीजिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, डिस्टिंक्शन बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है। इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस बताइए। नोवेशन एंड अल्टरेशन एज मॉडल्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी के बी पार्ट, एक्सप्लेन डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी अंडर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ क्रेडिट्स इन वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ LLP। ए पार्ट, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, एग्जामिन द स्टेट गिविंग एक्सेप्शन। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू LLP। क्या प्रोसीजर है पार्टनरशिप फर्म को LLP बनाने का, इसी को हिंदी में देख लीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने हिंदी ऑप्ट कर रखी है। अब देखिए मैंने बता दिया आपको, हर एक पेज दिखा दूँ, 8 पेज 7 पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी बढ़ा के, 5th पेज 4th पेज। अगर आपको भी अपने सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि उससे जल्द से जल्द आपके लिए उसकी प्रीवियस ईयर वीडियो बनाई जाए। 2 1 चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।